हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुलबेस्ट टॉक पर आज हम फाइव पेनी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में कवर करेंगे ये स्टॉक्स आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं और मैंने इन स्टॉक्स को आपके साथ वीकली बेस्ट पेनी स्टॉक की सीरीज में कवर किया था चलिए बिना टाइम की वेस्टेज के हम उन शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं लेकिन हमेशा याद रखना स्मॉल कैप स्टॉक्स लार्ज और मिड कैप स्टॉक कंपैरिजन से ज्यादा रिस्की होते हैं सबसे पहला स्टॉक साकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी का बिजनेस ट्रेडिंग ऑफ एग्रो कॉमोडिटीज का है जो कि ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में फैला हुआ है आज शेयर हमें 2.91 परसेंट की गिरावट के साथ 10 पर ट्रेड करता दिखा बुक वैल्यू 14.3 जबकि स्टॉक फिलहाल 0.69 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से एक टाइम पर कंपनी पर बोरिंग्स कहीं ज्यादा थी लेकिन कंपनी ने कंसिस्टेंट डेट बर्डन को कम करने के लिए काम किया डेट 2.59 करोड़ फ्री कैश फ्लो 81.5 करोड़ एनुअल प्रॉफिट 18.3 करोड़ बाकी दिसंबर एंड में 1.29 करोड़ का प्रॉफिट था हम इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं क्वार्टर फोर कंपनी अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है प्रोमोटर्स की होल्डिंग तीन महीने के अंदर 58.07 परसेंट से बढ़कर 61.88 एट एट परसेंट जो काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मार्च एंड रिजल्ट्स आने के बाद फाइनेंशियल समय चेंज होते नजर आएंगे और करंट सिनेरियो को देखकर हम अच्छे रिजल्ट्स ही एक्सपेक्ट करेंगे देखो कंपनी के डेटर डेज हमें जरूर बढ़ते हुए नजर आए जो 81 से बढ़कर 131 डेज हो गए आई होप कंपनी इसको कम कर लेगी 52 वीक रेंज में शेयर हाई 11.8 और लो 4.05 रहा एक लॉन्ग टर्म पीरियड में हम इस कंपनी से काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि शेयर मार्केट आपसे टाइम और पेशेंस की डिमांड करता है चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ सूरत टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड इस कंपनी का बिजनेस टेक्सटाइल सेक्टर में है 154 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी की बोरिंग्स जीरो हैं जबकि एनुअल प्रॉफिट 14.5 करोड़ मार्च एंड क्वार्टर में सेवन करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को जो अपने आप में काफी बड़ी बात है सेल्स में भी हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला जो लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन से कहीं ज्यादा है ये सब कुछ समझकर हम कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं आज शेयर 4.91 परसेंट बढ़कर 7.27 पर ट्रेड करता दिखा लास्ट फाइव ईयर्स का सी ए जी आर नाइनटीन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट रहा जो काफी अच्छा है स्टॉक फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से वन पॉइंट वन सेवन टाइम्स ट्रेड कर रहा है जो प्रोज के अंडर ही आता है प्रोमोटर्स की एडुकेट होल्डिंग सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन एट परसेंट और डेटा डेज भी काफी अच्छे हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में थोड़ी बहुत गिरावट दिखी लेकिन वो जस्टिफाई लगती है रिजर्व एंड सरप्लस साथ ही इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ती हुई नज़र आई लास्ट ईयर कंपैरिजन में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया 52 वीक रेंज में शेयर हाई 7.84 और लो 2.03 रहा बाकी अर्निंग्स में 4.73 करोड़ की अदर इनकम इंक्लूड होना और लास्ट थ्री ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है जो कॉन्स के अंडर ही आते हैं इस स्टॉक से हम लॉन्ग टर्म पीरियड में काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव मैनर में चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ सिंकोम लिमिटेड ये कंपनी फार्मा सेक्टर में है जो कि 200 से ज्यादा फार्मा प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि टैबलेट्स कैप्सूल्स लिक्विड इंजेक्शन ड्राई सिरप ओंटीमेंट्स इनहेलर्स हर्बल्स प्रोडक्ट्स की मैनुफेक्चरिंग करती है आज शेयर वन की गिरावट के साथ एट के लेवल पर ट्रेड करता दिखा सिक्स करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का शेयर फिफ्टी वीक रेंज में हाई नाइन और लो वन रहा कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट्स तो अभी डिस्क्लोज़ हुए नहीं बाकी एक अच्छे क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन है 7 crore, crore, का सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट देखने को मिला वहीं प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40.48 परसेंट से बढ़कर 41.18 परसेंट हो गई प्रोमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज होना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दिखाता है और कम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का होना क्योंकि फिर तो मेरा मानना यही है कि प्रोमोटर्स को अपने बिजनेस पर भरोसा नहीं स्टॉक का अपनी बुक वैल्यू से 4.21 टाइम टाइम्स ट्रेड करना और रिटर्न ऑन इक्विटी का लो होना साथ ही सेल्स में गिरावट नज़र आई जिसका एक रीज़न कोविड भी था ये सब कौनस के अंडर आते हैं बाकी कंपनी से फ्यूचर में काफी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और हमें अच्छे लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आज मैं आपके साथ जिन कंपनी या स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए कवर कर रहा हूं, उनमें नेगेटिव पॉइंट्स के मुकाबले पॉजिटिव पॉइंट्स की भरमार है या कहें ज्यादा है पॉजिटिव पॉइंट्स चलिए बढ़ते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड इस कंपनी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यान बाथ बेड लिनिन और स्ट्रो बेस्ड पेपर केमिकल्स एंड कैप्टिव पावर में है फिलहाल तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पंजाब और एमपी में है देखो ये कंपनी 26% परसेंट का रेवेन्यू यान बिजनेस से 54% परसेंट होम टेक्सटाइल और पेपर से 20% परसेंट तक का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है बाकी कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान आपके सामने हैं मेरे को इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो लगा वो डेट बर्डन पर लगातार काम कर उसको कम करना जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो बोरोइंग समी कंसिस्टेंट कम होती नजर आई दूसरी ओर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 71.06 परसेंट से बढ़कर 73.02 परसेंट हो गई कंपनी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डी की भी होल्डिंग्स हैं 51.08% परसेंट का हेल्दी डिविडेंड पेआउट मेंटेन होना और फ्री कैश फ्लो 175 करोड प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी को देखकर हम कंपनी को लो डेट पर कंसिडर करेंगे जो कि प्रोस के अंडर आता है कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड ना भी करे तो हमें कोई शिकायत नहीं क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो पैसा कंपनी की ग्रोथ में ही लगना चाहिए इसका सीधा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को ही जाएगा इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में कंसिडर करना एक फ़ायदे की डील हो सकती है कंपनी के और फ्यूचर प्लान्स अभी पाइपलाइन में है स्टॉक का 2.56 टाइम्स ट्रेड करना और सेल्स ग्रोथ का डाउन होना जिसका रीजन कोविड भी रहा यह कौनस के अंडर आता है चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ स्टॉक की तरफ लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें लियोड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स का है 324 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का शेयर आज 4.17 परसेंट बढ़कर 3.75 पर ट्रेड करता दिखा फिलहाल स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 2.97 टाइम्स ट्रेड कर रहा है जो कि कॉन्स के अंडर आता है ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और बोरोइंग्स भी हमें लगातार कम होती नजर आई लेकिन मार्च एंड क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा जहां इनको 1.24 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा दूसरी ओर डेटर डेज का 157 से 46 डेज होना काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी की अर्निंग्स में 13 करोड़ की अदर इनकम इंक्लूड होना कॉन्स के अंडर आता है प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी टाइम से न्यूट्रल ही दिखाई दी फिफ्टी टू वीक रेंज में शेयर हाई थ्री पॉइंट एट सेवन और लो पॉइंट सिक्स फोर रहा देखो इन फाइव स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव मैनर में कवर करना इनकी करंट पोजीशन, फ्यूचर प्लान्स और फंडामेंटल्स को देखते हुए साथ ही इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए ये काम कम टाइम में नहीं होता ऐसे स्टॉक्स को सर्च करने में काफ़ी टाइम चला जाता है इस टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं आप मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर